अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा अगला सबक है लाहौर का जुग्राफिया, जो अहमद शाह बुखारी पतरस ने लिखा हुआ है। सबसे पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ देखेंगे और उसके बाद हम सबक का खुलासा जो है वो पढ़ेंगे। उर्दू के नामवर मज़ाह नगार, अफसाना नगार, मुतरजम, शायर, नकाद, मुअल्लिम, बरतानवी, हिंदुस्तान के माहिर नशरियात और पाकिस्तान के सफारत कार थे। पतरस के तंजिया और मज़ाहिया मज़ामीन का मुख्तसर मजमूआ पतरस के मज़ामीन पाकिस्तान और हिंदुस्तान में स्कूलों से लेकर जामियात तक उर्दू निसाब का हिस्सा है। इनका शुमार मुतहद्दा हिंदुस्तान में रेडियो नशरियात के बानियों में होता है। इसके अलावा पतरस अक़वामे मुत्तहदा के पाकिस्तान के पहले मुस्तक़िल मंदूब की हैसियत से जाने जाते हैं। पतरस अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे और अंग्रेज़ी में इतनी काबिलियत थी कि उन्होंने अमेरिका की जामियात में अंग्रेज़ी पढ़ाई और वहीं वफात पाई और दफन हुए। सैयद अहमद बुखारी 1 अक्टूबर 1898 को पेशावर में पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर और बाद अज़ां प्रिंसिपल नामज़द हुए। अदबी खिदमात की बिना पर हुकूमत पाकिस्तान ने लाल इम्तियाज़ का तबका अदा किया। आपके शागिर्दों में फैज़ अहमद फैज़, नूमी राशिद, कन्यालाल कपूर, इकबाल सिंह, अल्ताफ़ कादिर, हफीज़ होशियारपुरी, हनीफ रामे और प्रोफेसर इशफाक अली ख़ान शामिल हैं। अक़वामे मुत्तहदा पाकिस्तान के सफ़ीर होते हुए त्यूनस की आज़ादी की हमायत में की गई खिदमात के सिले में त्यूनस ने आपके नाम पर सड़क का नाम रखा। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ने पतरस के 7 साल जश्न पर यादगारी टिकट जारी किया। पतरस बुखारी न्यूयॉर्क में 4 दिसंबर 1998 के दिन इंतकाल फरमा गए। ये था मुसन्निफ़ का मुख्तसर सा तारुफ जो हम पा रहे थे। हम खुलासे की तरफ आते हैं कि तमहीर के तौर पर सिर्फ ये अर्ज़ करता हूँ कि लाहौर को दरियाफ़त हुए अरसा हुआ, इसके वजूद के लिए दलाइल की ज़रूरत नहीं। करे पर मौजूद तूलुल बल्द और अर्जुल बल्द से भी मकाम लाहौर को तलाश करने की ज़रूरत नहीं। अलमुख्तसर लाहौर लाहौर ही है। अगर इस पते से भी लाहौर नहीं मिल सकता तो आपकी तलीम नाकस और जहान फातर है। यह गलत फहमी दूर करना ज़रूरी है कि लाहौर पंजाब में वाकया है। पंजाब में अब सारे चार दरिया ही बहते हैं। निसर दरिया यानी रावी ज़ईफ़ा बहने के काबिल नहीं। यह दरिया लाहौर के करीब रेत पर लेटा रहता है, बहना नहीं। इसलिए ये बताना भी मुमकिन नहीं कि शहर दरिया के दाएं किनारे है या बाएं किनारे। लाहौर पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक पेशावर की तरफ से आता है और दूसरा दिल्ली की तरफ से। वस्ती एशिया की तरफ से आने वाले गज़नवी और गौरी कहलाते हैं, जबकि यूपी की तरफ से आने वाले अहले सुबा ये तखल्लुस में ये रतूला रखते हैं। कभी लाहौर का हदूद अरबा भी था, मगर म्यूनसिपलिटी ने तलबा की खातर इसे मनसूख कर दिया। अब हर तरफ लाहौर ही है। माहरीन का ख्याल है कि 10-20 साल बाद लाहौर एक सूबा और पंजाब तारुका हो जाएगा। फैलता हुआ लाहौर वरम की मानिंद है, जो मवाद फासद से भरा हुआ है। लाहौर की आबो हवा बारे गलत रवायात मशहूर है। अहले लाहौर की ख्वाहिश तो ये है कि दीगर शहरों की मानिंद हमें भी आबो हवा दी जाए। म्यूनसिपलिटी बड़ी बहस के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि अहलियाने शहर का मुतालबा दुरुस्त है, लेकिन म्यूनसिपलिटी के पास हवा की किल्लत है। उन्हें अवाम को हदायत की है कि हवा कम इस्तेमाल करें। कमेटी ने इस किल्लत को पूरा करने के लिए गर्द और धुएँ के बजा मरकज़ कायम कर दी है। उम्मीद है कि अवाम के लिए तसल्ली बख्श नतायज सामने आएंगे। महम रसानी आपकी वो स्कीम जो निज़ाम सक्के ने बनाई थी कमेटी के ज़ेर गौर है। चूँकि मुसवदे निज़ाम के हाथ के लिखे हुए हैं, इसलिए इन्हें पढ़ने में दिक्कत का सामना है। मुमकिन है तहकीक में चंद साल मज़ीद लग जाएंगे। कमेटी ने आर्जी तौर पर बारिश का पानी निकासी से रोक रखा है, जिससे अनकरीब हर मोहल्ला अपने दरिया का मालिक बन जाएगा, जहाँ मछलियाँ परवरिश पाएंगी। हर राय दहिंदा मछली के पेट से कमेटी की अंगूठी निकाल कर वोट डालते हुए पहनेगा। निज़ाम सक्के के मुसवदात से पता चला कि पानी पहुँचाने के लिए नल ज़रूरी है। चुनाचे कमेटी ने जगह जगह नल लगवा दिए हैं। अहले शहर को हदायत की है कि उनके नीचे बर्तन रख दें, ताकि जब कभी पानी आए तो कोई मायूस ना रहे।
लाहौर में काबिले दीद मकामात ही हैं क्योंकि इश्तहार लगाने वाले हर इश्तहार लगाने वाले हर दीवार पर अपने इश्तहार लेप जाते हैं, जिससे दीवारें दबीज होती जाती हैं। आमतौर पर इश्तहार पर अहले लाहौर को मजदा अच्छा सस्ता ग्रेजुएट दर्जी हाउस और स्टूडेंट्स के लिए नादर मौका वगैरह लिखा जाता है। लाहौर के मशहूर तरीन पैदावार तलावा हैं जो बकसरत पाए जाते हैं, हज़ारों बिरेन मुल्क में भी बेचे जाते हैं। सर्दियों के शुरू में यह फसल बोई जाती है जबकि बहार के आखिर तक फसल तैयार हो जाती है। तलबा की पहली किस्म जबाली तलबा की है, ये पहले दर्जियों के यहाँ तैयार होते हैं और धोबी और नाई के पास भेजे जाते हैं, इनकी रेस्तरान में नुमाइश की जाती है। दूसरी किस्म जलाली तलबा की है और इनका शजर जलालुद्दीन अकबर से मिलता है। ये शाम को अपने दोस्तों के साथ निकलते हैं और कॉलेज हॉस्टल के बजाय बाहर रहते हैं। तीसरी किस्म ख्याली तलबा की है जो अक्सर रूप अखलाक वागुन और जमहूरियत पर बहस करते नजर आते हैं। अपनी सेहत के लिए सुबह के वक्त चंद एक डंडर फीलते हैं, शाम को हॉस्टल की छत पर गहरी सांस लेते हैं और बेसुरा गाते हैं। तलबा की आखिरी किस्म खाली तलबा की है। यह तलबा कॉलेज में तालीम के दौरान किताबों इम्तहानात या मुताले से दामन बचाए रखते हैं। जिस मासूमियत के साथ कॉलेज दाखिल होते थे आखिर तक इसे कायम रखने में रखते हैं। लाहौर के लोग बहुत खुश तबा होते हैं। यह था लाहौर का जग्राफिया जिसे हम पढ़ रहे थे, जिसका हमने खुलासा पढ़ा और मुसन्नफ़ का तारुफ भी हमने किया। अपना बड़ा सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शादोआबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।